रसी बेटा सर देश में कोरोना वायरस फैल रहा है। अच्छा कोरोना वायरस फैल रहा है, अरे वाह। तो कोरोना वायरस फैल रहा है तो उससे क्या किसको देंगे अपन? ये सब मजदूरों को, वो भूखे पेट सोते, भूखे पेट सोते इसलिए। अरे वाह यार बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? और आपका बेटा पापा का नाम क्या है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, तो आप सहयोग राशि देने आए हो? कहाँ से लेके आए आपने? पापा को पॉकेट मनी देते, इसलिए हम गुल्लक से सहयोग राशि देने के लिए आपने गुल्लक तोड़ा, आपकी पॉकेट मनी देते थे। हाँ। अरे वाह यार बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम है यार। वैसे आपको ये चीजें कहाँ से मिली हैं कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है? अच्छा आपके पापा से। चलो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा मैं दे दूंगा आपके हिस्से का पैसा, आप रहना तो मैं दे दूंगा। आप ही को देना है? चलो ठीक है बताओ। अरे वाह ये तो इतने सारे कितने दिनों में इकट्ठे किए ये? ओह चलो ठीक है। देखो दोस्तों वर्तमान में कोरोना वायरस फैल रहा है। ये मध्य प्रदेश का नीमच जिले का छोटा सा गांव खेलड़ी, यहाँ से कंजाड़ा से 4 या 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर छोटे से गांव में ये बच्चे कोरोना वायरस के लिए सहयोग राशि लेकर आए हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को अप्रिसिएट करें और लोगों को बताएं कि जिस तरह से अपन कोई भी सेलिब्रिटी आता है पैसे देता है उसे हम हाईलाइट कर देते हैं, उसे पूरे देश में हीरो बना देते हैं, पर इन बच्चों का क्या? जो बच्चे हमारे रियल हीरो हैं ये अपनी कमाई से जितने पैसे उतने गुने ज़्यादा सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इनको भी सुपर हीरो बनाएं। और मैं लोगों से और अपील करना चाहूँगा कि देश में इसी तरह से जिन बच्चों का हौसला है उसी हौसलों से आप यदि सहयोग राशि ना दे पाओ, कम से कम ऐसे लोग घर के अंदर रहकर इस कोरोना महामारी से लड़ने में देश का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बेटा एक बार और नाम बताइए? केशव परिहार। और आपका? बड़े क्यूट हो, सॉरी हाथ लगाया। ठीक है ओके थैंक यू बेटा।